नानी को देखो, मैंने अपनी इयररिंग पहनाई और थोड़ा सा ब्लश भी लगाई ना नानी, जो दिख भी नहीं रहा है। मैंने आज गेट रेडी विद मी रेडी हो चुकी, बहुत दिन बाद रेडी हुई हूँ। ये रे क्या बात, दीपक हेड़े हेगड़े। सो गाइस, अभी यहाँ पर मीडिया वाले आए हैं तो इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। समीर भी आया है लेकिन इफ्तार होने के बाद चाय में इसकी मक्खी गिर गई है, वही पी रही है, वही मक्खी को वापस डुबाते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग शेक सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यस गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं इफ्तार पार्टी के लिए, लाइक इफ्तार के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है उधर, जहाँ मेरा मतलब जहाँ मेरी शादी हुई थी, जो मेरा शादी का हॉल था उधर ही एक कभी किया गया है इंतज़ाम। तो आज इतने बोलते ना पूरे रोज़ों में, आज मैं और शाना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अम्मी तो जाते ही रहते हैं हर जगह, तो आज अम्मी हम लोग को भी लेकर जा रहे हैं। मीन्स पूरी फैमिली की दावत हर जगह ही रहती है, बट अम्मी कहीं कहीं, सॉरी अम्मी सब जगह बोलते हैं, हम लोग कहीं कहीं जाते हैं। तो बस निकलेंगे अभी, बस 6:30 होने आ गए हैं। नानी और मैं रेडी है, अम्मी और शाना रेडी हो रहे हैं अंदर, तो लोग भी रेडी हो जाए तो फटफट निकलेंगे, है ना नानी। नानी को देखो, मैंने अपनी इयररिंग पहनाई और थोड़ा सा ब्लश भी लगाई ना नानी, जो दिख भी नहीं रहा है। मैंने आज गेट रेडी विद मी करी हूँ नानी के साथ, तो मेरे चैनल पे आपको देखने मिल जाएगा आज, तो देख लेना जाकर, है ना, है ना नानी। और बोल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरी नवासियों को आगे बढ़ाओ। टाटा। तो देखो गाइज, अब तो नानी ने भी बोल दिया, तो आप लोगों का तो लाइक शेयर कमेंट और व्यूज भी बनता है, सब बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। मैं आज जल्दी रेडी हो गई, इन लोग को टाइम लगे कितने दिन बाद मैंने वॉच पहनी। आई एम नॉट, बोलते ना मेरे को इतना वॉचेस का शौक नहीं था जब मैं स्कूल टाइम पर थी ना गाइस, तब था, क्योंकि तब ऐसा था ना स्कूल में बैठा था, टाइम देखना एग्ज़ाम के टाइम पर, और कॉलेज में आई तो सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त में यूज़ करती थी। और अभी अभी शादी के बाद मुझे एक गिफ्ट मिली है, और गिफ्ट मिलने से पहले मुझे ना मतलब वो माइकल कोर्स की चाहिए थी, और ना कौन सी जोकर बीच की वॉच, वो सब ना मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी। तो ना मैंने सोची थी मैं अगर अपने आप को गिफ्ट करूँगी ना कभी, तो मेरे को जोकर बीच लेना है। वो ज़्यादा मतलब है 2-2.5 हज़ार के आसपास की है, लेकिन ऑफ़र में मिल जाती है कभी कभार, तो मुझे वही वॉच चाहिए। और ये माइकल कोर्स की चाहिए थी, ये तो मुझे अम्मी की फ्रेंड है फिर दोस्त आंटी, उन्होंने गिफ्ट कर दी है। अब मैं लूँगी जोकर बीच की, जो मुझे बहुत पसंद है, और एक और है कैशियो की भी मुझे चाहिए, बट अभी वो पुरानी हो गई। अगर मुझे गोल्डन में चाहिए तो मैं कैशियो लूँगी, और बाकी अदर इसमें चाहिए तो ऐसी कुछ ही, बहुत प्यारी लगती है मेरे को। और मैंने आज चूड़ी वगैरह कुछ पहनी, क्योंकि मेरा चूड़ा घर पे है और बाकी सब चूड़ियाँ मेरी अंदर रखी हुई है, तो मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो फिलहाल ये अच्छी लग रही, सिंबल एंड सोबर इसके साथ। तो गाइस, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बहुत दिन बाद रेडी हुई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, हल्की सी करें अभी दावत पार्टी में, इफ्तार पार्टी में इतना तो चलता है ना गाइस, सब तैयार होते हैं। हम लोग तो फिर भी बहुत लेस हुए ना, तो चलो अभी मिलते हैं डायरेक्ट इफ्तार पार्टी में। इस हम लोग पहुँच गए, हॉल के बाहर खड़े हैं। देखो मेरी शादी का हॉल, मेरी शादी यही हुई थी गाइस, मिलती है हॉल में, है ना शाना। अभी शादी हो गई तो बता सकती हूँ, यही वाली थी ना, ये फर्स्ट वाले पे यहीं पे है दावत। देखो 2 महीने बाद घूम के इधर आई मैं। सब लोग अंदर एंटर हो चुके हैं, और इधर आए हैं मुजफ्फर हुसैन साहब, जो हमारे मीरा रोड की, जो भी इसको पता ही नहीं जान दो क्या है। तो और हम लोग गलती से बैठ गए, नगर सेवक है ना। हाँ सही, तो बोली हाँ गाइस। तो गाइस ये मेरा स्टेज था, जहाँ मुजफ्फर हुसैन अंदर खड़े, उधर भी खड़े, इधर डीजे था, शादी का व्लॉग नहीं देखे जाओ जाकर देखो, सनम का निकाह, सनम की शादी, ऐसे मैंने मतलब डाली हूँ, तो आप सर्च करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर कुछ मंडी भी आ चुके हैं, जो फाते हैं जिसको पढ़ते हैं, यहाँ पे अम्मी है, यहाँ पे हमारे इस रोजे से गरीब तमाम सहाफियों ने मिलकर ये प्रोग्राम so guys, अभी हम लोग बैठ चुके हैं इफ्तार के लिए, जिन जिन लोगों ने शिरकत की उन सबों को दुआ हो रही है, मोहम्मदी वाले फरमाइन आप लोग क्या करें।
हुआ है। अल्लाहुम्मा लक सुमतु व बिक आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क अफ्तरतु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये फ्रूट्स है, वेज है, नॉन वेज है, सब अवेलेबल है। ना मेरा भी तो गाइस खावा के सब खत्म हो गया। ये उठ ही नहीं रही, खत्म हो गया ना वोट। हट पूरे मेरे पूरा खत्म फ्रूट खाऊंगी मैं। अभी नाम लिए ना क्या माधव क्या पता नहीं भूल गए। तो गाइस अभी कुलसुम आंटी और शबनम आंटी को स्टेज पे बुलाया गया है, लोग जा रहे हैं सम्मानित करने। सो अभी लोग जा रहे हैं जी और शकील जी ताकि इस कार्यक्रम को हम लोग कंक्लूड कर सकें। मैं फ्रंट पे जाके ले सकती थी बट देख सकते आप लोग सारे आदमी लोग हैं इसलिए मैं मानी जा रही यहीं से शूट ले ली। थोड़ा जूम कर ले, अब दिख रहा है ना माशाल्लाह कुछ देने का तो देखिए अच्छा है वाला। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें ये कोशिश थी कि मीरा भाईंदर इस खूबसूरत शहर के तमाम धर्म के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करें ताकि हमारे शहर में जो पिछले कुछ महीनों से डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको भूलकर एकता की नई शुरुआत दोबारा से यहाँ से हम शुरू कर सकें और भाईचारगी के साथ एकता के साथ हम साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर मीरा भाईंदर में अमन भाईचारा बना रहे वही कोशिश की कड़ी है आज की इफ्तार दावत। और डायस में प्रेजेंट जितने मेहमान हैं ये वो लोग हैं जो एक्टिवली इन कामों में लगे हुए रहते हैं। आज ये सब पॉलिटिकल पोजीशन के तौर पे आपके सामने नहीं बल्कि एक समाज के जिम्मेदार लोग और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आज आपके सामने मौजूद हैं। हमारे बीच में कुछ एनजीओ वाले कुछ संस्था वाले भी हैं जिनको मैं ऊपर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले फिरोज सैयद फाउंडेशन के हमारे फिरोज भाई को मतलब जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये इसी के लिए किया गया है क्योंकि जो पिछले महीने जो हुआ है यहाँ पर कुछ मैंने ब्लॉग में डाली मुस्लिम तो बस उसी को शांत कराने के लिए सब है। और अच्छी बात है ना एकता की बात की जा रही है सब लोग मिलजुल कर ज़्यादा अच्छा रहे। गाइस हम लोग इफ्तारी हो गए और यहाँ जो जो था सब हो गया तो अभी हम लोग सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अम्मी मजा है तुमको थोड़ा मजा आई अम्मी को तो मजा ही आती मजे रहते हैं रोज इफ्तार की दावत। अभी कल भी फिर जाएगी कल भी जाने वाले सोचो पूरे 300 दिन ये इफ्तारी घूम रहे घर छोड़ के आ मैं बाल की इस बार ज्यादा ना गए इस बार ज्यादा बुला रहे अम्मी का बुलाओ जा रहे अम्मी जाओ अम्मी का तो अम्मी का चल रहा है उधर फोटो सेशन और हम लोग यहाँ वेट कर रहे कब उनका फोटो सेशन खत्म हो तो हम लोग निकले यहाँ से। इन लोग का अलग ही चल रहा है देखो खा खा के पेट आ गए सबके पेट आ गए। गाइस अभी यहाँ पर मीडिया वाले आए हैं तो इंटरव्यू चल रहा है तो इसलिए हम लोग खड़े देखो हम लोग के सारे ब्लॉग थे अम्मी की दोस्त सबने देखे होंगे हम लोग के ब्लॉग में हम लोग हमेशा रहते हैं हमेशा देखो ये भी देखते हैं सब लोग देखते हैं और सब लोग तुम लोग भी देखा करो लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो तो ज्वाइन करके बनाएंगे अम्मी को उल्टी जैसा हो रहा है ये बोलते जा बाहर जाके उल्टी गिरते। अब इन लोगों का टर्न है स्पीचिंग करने का लोगों को संदेश पहुंचाना था कि भाई मुसलमान मिलके रहो
मीरा भाईंदर में शांति रहना चाहिए, मीरा भाईंदर में हमारे इंडिया में शांति रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तो यहाँ के मीरा भाईंदर के जो पत्रकार के सपने का अच्छा प्रोग्राम करे ना, है ना, क्योंकि ये लोग संदेश पहुँचाने का काम करे। अगर बीच में भी अभी झगड़ा चालू था तभी भी पत्रकार लोग नहीं पहल करे थे हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने का और शांति का। तो ये यहाँ के जो पत्रकार लोग हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह इनको तरक्की दे और अल्लाह इन लोग का चैनल आगे बढ़ाए। हम लोग तो यही दुआ करते हैं, जब से मीरा भाईंदर में थोड़े दिन पहले आपने देखे थे जैसे कि गर्मा गर्मी का माहौल था हिंदू मुसलमान को लेके, तो यहाँ के पत्रकार लोग ने ये सुलझाए थे, है ना। बाकी तो सब आके अपनी रोटी सेक के चले गए, लेकिन ये पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ के पत्रकार लोग को, है ना, क्योंकि ये लोग ने बहुत अच्छा सोचे। आज भी हिंदू मुसलमान को बुला के जो प्रोग्राम रखे, अफ्तारी पार्टी रखे, बहुत अच्छा सोचे, क्योंकि इसमें हर एक नेता आए थे, है ना। इस दिन में हो रहा है हमारे देश में ना हो, हमारे इंडिया में ना हो, हम लोग तो यही सोचेंगे, यही दुआ करेंगे सबको फिर से छूटे रहे। और जैसा हमारे मीरा भाईंदर के पत्रकार लोग सोचे, वैसे सब पत्रकार लोग को सोचना चाहिए और जहाँ का उनका जो भी गांव में सबको मिला के रखना चाहिए। तो मीरा भाईंदर वाले लोग को दिल से सलूट है, है ना, पत्रकार लोगों का। हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी मीरा भाईंदर के वासियों को मुबारकबाद। और माशाल्लाह ये पहली बार हुआ है, क्योंकि हम लोग तो इतने सालों से रह रहे हैं, बचपन से यहाँ से देख रहे हैं, कि जो अभी के बाद जो पहल हुई है पत्रकारों की तरफ से मीरा भाईंदर की, और बहुत अच्छी पहल हुई है कि अफ्तारी की दावत हुई है और उसमें सभी लोग शामिल हुए हैं। हमारे जो चैनल है मीरा भाईंदर के, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और माशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही पैगाम हो और हमेशा एक दूसरे को साथ में लेकर चले। और जैसे कि अभी बताए इन लोगों ने और कुलचंद नायक ने बताया कि हमें तो चाहिए इतमान चाहिए कि ताकि आगे हमारी आने वाली नस्लें ये चीज़ें ना सीखे कि हिंदू है या मुसलमान है, ये नहीं, जो इतने सालों से होते आया हमेशा जो इंसानियत का रिश्ता है और वो लाजिम भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में एक पहले इंसानियत को पहले इस चीज़ को देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम हमें बाद में करना चाहिए, पहले हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते हमें हर चीज़ हर जगह पे चलना चाहिए। और सब हम ये पैगाम देते हैं आपके पत्रकारों के चैनल के माध्यम से। और शकील और हमारे साथी का मैंने कभी शबंटी बाय कर दो, बाय बाय। और हमारे बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे से कमेंट करो और आगे बढ़ाओ। हमारे बच्चे समीर सपोर्ट करते, वैसा नमीरा नंबर शाना बाले शबीर, हम लोग भी चलेंगे कुछ घंटे, फिर भी आए हैं लेकिन इफ्तार होने के बाद। हाँ इफ्तार होने के बाद, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। हाँ चाय पियेंगे। हाँ हाँ चल। तो गाइस हम लोग इफ्तार पार्टी से निकले और हम लोग आए चाय पीने, हमारी फेवरेट पंढरपुरी, और एक सैंडविच का ऑर्डर किए, क्योंकि समीर का मतलब मेरा क्या 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 था, तो उसने सिर्फ पानी खजूर खाया है, तो कुछ खाया नहीं, तो उसने सैंडविच भी ऑर्डर किए। थैंक यू। आओ चाय पी लें। और उसको देखो क्या कर रही है, पागल वीडियो एडिट कर रही है, और चाय में इसकी मक्खी गिर गई है, वही पी रही है, वही मक्खी को वापस डुबा के खा ले बिस्किट के साथ। सुन्नत भी पागल हदीस में है कि एक पर में शिफा होती है और एक पर में बीमारी। आज की अच्छी बात। तो जब अगर मक्खी गिर गई ना, तो पूरी डुबा देने का, फिर निकाल के चले जाएगा। अगर कोई बीमारी वाला पर गया होगा तो फिर वो शिफा वाला भी पर चला जाएगा, तो कोई डुबा देने। वाह 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 वाह। गई हूँ किचन में और ये मैंने हेयरबैंड लगा ली हूँ, इसी लग रही हूँ ऐसी लगाई, क्योंकि बाल पूरे मुँह पे आते हैं फिर इरेटेड होना पकाने के लिए। तो फिर हम लोग सब इफ्तारी हो गई, चाय हो गई, घूम फिर के आ गए, अब चलो काम में लग जाओ। तो मैं बना रही हूँ पुलाव था, आप लोग को दिखाती हूँ। तो पुलाव का रेसिपी तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इतनी पुलाव की झटपट, और अभी भी मैं झटपट कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 10 बज चुका है ऑलरेडी, क्योंकि गोश्त फ्रिज में से निकाली 9 बजे, तो एक घंटा चला गया उसको नॉर्मल होने, पूरा बर्फ़ पत्थर था, तो इसलिए लेट हो गया। मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ, एक नज़र दिखा देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर मैं गरम मसाले ले ली हूँ, यहाँ पर गोश्त धो के रख दी हूँ, यहाँ पर प्याज कटे, यहाँ पर कुकर चढ़ा दी हूँ, अभी तेल डालूँगी। और गाइस एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरी रानी ने मेरे लिए बनाई है अचवानी, तो आप लोग क्या बोलते पता नहीं, ये जब डिलीवरी होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, जब एक औरत की डिलीवरी होती है तो उस वक्त ताकत के लिए ये सब खिलाते हैं, तो हमारे यहाँ यही बनता है, मेरी भाभी के लिए भी बना था,
और मेरे लिए क्यों बना है, क्योंकि गाइस मुझे है पीसीओडी का प्रॉब्लम, जैसे कि आप लोगों को पता है, उसके वजह से जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, जो मतलब तीन तीन महीना मेरे दो दो महीने स्किप हो जाते हैं, तो उस वजह से तो मैं ये खाऊंगी, इसमें क्या है सब गर्म चीज़ें, तो ये खाऊंगी तो इससे मतलब आराम पड़ेगा पीसीओडी के लिए, तो खाऊंगी देखूंगी इंशाल्लाह। और वैसे तो मज़ा आती खाने, उसमें घी और काजू बादाम खोपरा सूखा खोपरा गुड़ है, मतलब सब ताकत वाली चीज़ें, तो मेरी हड्डी के लिए भी अच्छा है, जो मेरा ऑपरेशन हो उसके लिए भी अच्छा है, तो मैं रात को खाऊंगी उसको। सो गाइस खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पुलाव भी एक नंबर बना था। अभी मैं कपड़ा चेंज करूँगी और मैं भी फ़िलहाल बेडरूम में आ गई हूँ, बहुत गर्म हो रहा था तो एसी ऑन कर दी, तो मैंने चलो तो आधे बैठती हूँ ठंडे में, बहुत उलझन हो रही है। अभी कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी, फिर ऑयलिंग करूँगी थोड़ा हेयर में, और फिर सोने की तैयारी। और नंबर समय चले गए, बहुत मैंने बोली रुको रुको खाना खा के जाना, बट नहीं, वो वहाँ जाके अपना क्या आलू की सब्ज़ी बनाई और दोनों मियाँ भी खा रहे, क्योंकि समीर को सुबह सहरी में ही वो सहरी वहरी करके नमाज़ पढ़ के वो अपना निकल जाता है काम के लिए, तो फिर उसको बहुत नींद आ रही थी, फिर अभी वो रुकता तो मतलब थक गया था ना, तो उसको अभी आराम की ज़रूरत थी, तो इसलिए लोग फिर रुके नहीं चले गए। तो अब क्या बोलूँ, बस अभी चेंज वेंज करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही था, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अब खैर, और तब तक प्लीज़ प्यार बढ़ाते रहना, प्यार कम मत करना, और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। माशाल्लाह माशाल्लाह से 4,500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू एंड लव यू ऑल, और ऐसे ही हम लोग को प्यार करते रहो, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।